नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। आज से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जिसमें 60 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया, जिसको लेकर आज सुबह से ही नागरिक अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। कोरोना वैक्सीन का आज से दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज अम्बाला में भी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी तैयारी के साथ वैक्सीनेशन का काम शुरू किया। इस बारे में कोविड वैक्सीन अधिकारी डॉक्टर विशाल गुप्ता ने बताया कि अम्बाला कैंट सिविल अस्पताल के अलावा और दो जगह सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि कोरोना का पहला टीका सिविल अस्पताल में लगाया जा रहा है, बाकी दूसरे सेंटर में केवल उन लोगों को टीका लगाया जा रहा है जो पहले टीका लगवा चुके हैं। डॉक्टर विशाल गुप्ता ने कहा कि बुजुर्गों के लिए आज वैक्सीनेशन की जा रही है। हमारे पास दोनों वैक्सीन उपलब्ध हैं, बुजुर्गों के इच्छा के मुताबिक उनको इंजेक्शन लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने 100 लोगों का टारगेट रखा था, पर 200 के करीब लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं और अभी भी लोग आ रहे हैं। कोरोना महामारी ने देश ही नहीं पूरे विश्व में जो है हाहाकार मचा दी थी। इसके चलते भारत में कोरोना वैक्सीन जो है वो बनाई गई है। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन का आज दूसरा चरण है। हमारे साथ डॉक्टर विशाल हैं, उनके साथ उनसे बात करते हैं कि आज का जो कोरोना वैक्सीन का जो दूसरा चरण है, इसमें किन किन लोगों को ये कोरोना वैक्सीन लगाई गई और इसका स्वास्थ्य विभाग की इसके लिए क्या क्या तैयारियाँ की गई थी और आगे कब तक ये जो है वैक्सीन का दौर चलता रहेगा। सर, आज कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण है और इसके चलते जो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, किन किन लोगों को ये कोरोना वैक्सीन आज लगाई जा रही है और कितने सेंटर यहाँ बनाए गए? देखिए, आज एक्चुअल में कोरोना का जो वैक्सीन का तीसरा चरण शुरू हुआ है। पहला चरण जो आया था वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए आया था। जो दूसरा चरण आया वो हमारा फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए आया था, जिसमें हमने पुलिस, RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके अलावा कमेटी के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इन लोगों को वैक्सीन लगाई। अब तीसरे चरण में जो 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग लोग हैं उनको हम वैक्सीन लगा रहे हैं। इसके अलावा जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं जिनको कोई भी सिस्टेमिक प्रॉब्लम, कोई कोमोर्बिडिटी, मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर, शुगर क्रॉनिक रहता है और उनके डॉक्टर उनको सर्टिफाई ये करते हैं कि हाँ ये क्रॉनिक डिजीज़ में हैं, तो हम उनको भी वैक्सीन लगाएंगे। आज हमने उसके लिए स्पेशली अम्बाला GH अम्बाला कैंट में, GH अम्बाला सिटी में और रोटरी हॉस्पिटल अम्बाला कैंट में हमने उनके लिए स्पेशल कैंप लगाए हैं। लोगों में जो सुबह हम यहाँ पर ड्यूटी पर आए तो लोगों में बहुत भारी उत्साह था। यहाँ पर हमारे आने से पहले ही लगभग 30-40 लोग खड़े हुए थे और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आते ही फटाफट हम लोग, क्योंकि हम लोग सब तैयारियाँ कल करके रखी हुई थी यहाँ पर, हमने जो इसके रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए हुए थे, एक रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया हुआ था हमने कोविशील्ड फर्स्ट डोज जो सीनियर सिटीजन आएंगे, एक काउंटर बनाया हुआ था हमने कोवैक्सीन के लिए जो फर्स्ट डोज के लिए लोग आ रहे हैं, और एक काउंटर हमने बनाया हुआ था कोविशील्ड की सेकंड डोज के लिए। क्योंकि जो हमारे रेगुलर हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो पहले आज से पहले हमारे वैक्सीनेट हो चुके हैं और जिनको 28 दिन पूरे हो गए, वो लोग भी अपनी सेकेंड डोज के रूटीन में आ रहे हैं, ताकि किसी तरह की कोताही ना हो, किसी तरह की गड़बड़ ना हो, किसी तरह की मिक्सिंग ना हो। इन सब से बचने के लिए तीनों काउंटर्स पे अलग अलग स्टाफ बिठाया गया, अलग अलग रजिस्टर्स दिए गए, अलग अलग सिस्टम लगाए गए। बीच में रश काफ़ी हुआ, तो जब रश होने पे थोड़ा हमें लगा कि कंप्यूटर पे थोड़ा सिस्टम में दिक्कत आ रही है, तो हमें कुछ टाइम हमें ऑफलाइन काम भी करना पड़ा, लेकिन अब हमारा काम टोटली ऑनलाइन चल रहा है और एवरीथिंग इज सिस्टमिक, देयर इज नो प्रॉब्लम। सर, कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में जो एक भ्रांति फैल रही थी, उसको लेकर क्या लोगों को समझाया जा रहा है और क्या लोगों को समझाने का इस पर असर हो रहा है कि लोग इतनी भीड़ मात्रा में जो कोरोना वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, क्या कहेंगे कि लोगों में एक जागरूकता आ रही है? क्योंकि आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई, तो उसका कहीं ना कहीं लोगों पर कितना असर नज़र आ रहा है? बिल्कुल, जो भी प्रसिद्ध हस्तियाँ होती हैं अगर वो किसी चीज़ में आगे आती हैं तो लोग बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं। इसके अलावा ये अभियान हमारा जो है 16 दिसंबर से चल रहा है, तो लगभग 1.5 महीना इस प्रोग्राम को चलते हुए हो गया है और ऑलमोस्ट
मतलब कि जो लोग आ रहे थे पहले हमारे पर कम संख्या में जैसे आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वैक्सीन को टाइम ज़्यादा होता जा रहा है तो लोगों के मन में वैक्सीन के प्रति विश्वास ही बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा पहले खाली हेल्थ केयर वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रही थी, अब जो सीनियर सिटीजन हैं जब से उनको शुरू हुई है, तो क्योंकि सीनियर सिटीजन काफ़ी टाइम से हमारे से पूछ रहे थे कि सर हमारा नंबर कब आएगा, हमें वैक्सीन कब लगेगी। सबसे बढ़िया काम, जो सबसे अच्छा काम जो सरकार ने किया कि इन सीनियर सिटीजन्स को कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, सीधा वो वैक्सीनेशन सेंटर पे आएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन होगा और हाथ के हाथ उनको वैक्सीन लगा रहे हैं। जैसे हमारा टारगेट था कि हमने आज 100 लोगों को वैक्सीन करना था, लेकिन हमारे पास आज की डेट में 186 बुजुर्ग लोग आए, हमने किसी को मना नहीं किया। हमने एक सेपरेट वैक्सीनेटर का इंतजाम करके हमने वैक्सीनेटर बिठाया एक एक्स्ट्रा यहाँ पे, और हमने 186 जो बुजुर्ग लोग आए उनको हमने वैक्सीनेट किया। स्टिल अभी भी हमारा सेशन ऑन है, अगर कोई भी हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए आएगा हम उसको वैक्सीनेशन लगाएंगे। ये थे डॉक्टर विशाल गुप्ता, जो कि जिनका साफ तौर पे कहना है कि आज हमारा टारगेट 100 लोगों का था, लेकिन 187 जो लोग आज कोरोना वैक्सीन लगाने आए और हमने किसी को भी जवाब नहीं दिया, सबको कोरोना वैक्सीन जो है लगाई। इसके साथ ही आगे भी अगर और भी लोग आते हैं तो उनको भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। नरेश सैनी, JK247, अम्बाला। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता आ गई है। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जो कोरोना वैक्सीन लगाने आए, पूछते हैं उनसे कि ये जो आपने कोरोना वैक्सीन का आज टीका लगवाया क्या महसूस कर रहे हैं? सर बताइए, आज जो कोरोना वैक्सीन का आपने टीका लगवाया तो क्या महसूस कर रहे हैं? एक भ्रांति थी लोगों में कि कोरोना वैक्सीन पता नहीं कैसी होगी, तो अब क्या मानते हैं आज, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है कोरोना वैक्सीन लगवाई है, क्या कहेंगे? तो आज का दिन तो हमारे लिए बड़ा शुभ है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी आज लगवाई है। जहाँ तक कोरोना के बारे में हम कहते हैं, जिस दिन से पहले दिन से लॉकडाउन हुआ है, मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, मैं उसी दिन से पेशेंट देख रहा हूँ, एक दिन भी मैंने अपना हॉस्पिटल बंद नहीं किया। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोरोना का जहाँ तक सवाल है, तो कोरोना की इम्यूनिटी हम लोगों के बीच में अच्छी तरह आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने वैक्सीन लगवाना ठीक समझा हुआ है, क्योंकि हम वैक्सीन लगाने से जो फर्दर जो है नई नई स्ट्रेन्स आ रही हैं, हो सकता है इसको ना कवर करे, लेकिन जो पिछली जितनी स्ट्रेन्स है सबको तो कवर कर ही रहा है ये, तो हम वी विल टुवर्ड्स द सेफर साइड। सर अभी अभी जो आपने टीका लगवाया उससे कैसा फील? हमें कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। मेरा बेटा साइंटिस्ट है, जो कोरोना वैक्सीन वगैरह जो डेवलप कर रहे हैं, इसके बीच में भी उनका थोड़ा बहुत उसके उनकी टीम का सहयोग रहा है, तो अगर कोई इसके जो कोई कमी होती तो वो बता देते। एक बेटा हमारा जो है एम्स के बीच में डॉक्टर है, उसने भी ये कोविशील्ड की लगवाई है और उसने प्रेशराइज किया कि आप लगवा लीजिए, क्योंकि मैं क्या इम्यूनिटी का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके बीच में, इम्यूनिटी अगर डेवलप भी होगी तो इसका कोई नुकसान नहीं है, हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे बच्चों ने लगवाई इनको भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम अभी तक कोई नहीं आई है, ऑल आर सेफ। ये थे डॉक्टर जिनका साफ तौर पे कहना है कि इनका जो बेटा है वो साइंटिस्ट है, और वो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर कोरोना में कोरोना वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम होती तो वो हमें साफ साफ बताते। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां लोगों में थी वो उन भ्रांतियों को छोड़कर जो कोरोना वैक्सीन है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके लगवाएँ। मैम बताएँ, आज जो आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई है क्या महसूस कर रहे हैं और लोगों को क्या संदेश देंगे? ऐसा है कि अभी तक तो ठीक फील कर रहे हैं, बाद में अगर कुछ होगा तो कह नहीं सकते, बट ठीक है। और मेरे हिसाब से कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि ये ठीक है म्यूटेशन हो रही है तो साथ साथ में बहुत से लोग हैं जिनमें इम्यूनिटी भी बन रही है, तो लगवानी चाहिए। ये एक महिला थी बुजुर्ग जिनका साफ तौर पे कहना है कि कोरोना वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की जो भ्रांतियाँ हैं वो उनको छोड़कर लोगों को हॉस्पिटल में आके कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। हमारे साथ एक महिला बुजुर्ग हैं, उनसे पूछते हैं कि आज उन्होंने जो कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो कैसा वो महसूस कर रहे हैं, कुछ करते हैं और लोगों को क्या संदेश देंगे? मैम आप आज आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई, क्या महसूस कर रहे हैं? बट ठीक है, वैसे एक्चुअली ये सबको लगवाना चाहिए इस चीज़ के लिए, अपनी बीमारी के छुटकारे लिए। ये थे एक महिला जो जिनका साफ तौर पे कहना है कि सभी को ये कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए और ये अच्छा महसूस कर रहे हैं, लोगों को भी इनका यही संदेश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आके यहाँ पे कोरोना वैक्सीन लगवाएं। मैम बताएं, आज जो आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई है क्या महसूस कर रहे हैं और लोगों को क्या आपका संदेश रहेगा? मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मैं लोगों को भी बोलना चाहती हूँ कि वो कोविड इंजेक्शन लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, कोई भी साइन सिम्टम्स अभी तक तो नहीं है। जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है, तो लोगों को एक संदेश दिया है कि कोरोना वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, आप क्या कहेंगे? सर मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अभी तक मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो आप लगवा सकते हो, डेफिनेटली लगवा सकते हो।